पिछले कुछ दिन पहले ही हमारे देश में अटल टनल बनकर तैयार हुई है। इस टनल के बन जाने से यह सिर्फ आवागमन की सुविधाजनक नहीं बना रही है, बल्कि देश की सुरक्षा में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और ठीक ऐसे ही हमारे देश में एक और सुरंग बनने जा रही है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। इस बनने वाली नई सुरंग के बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें, इस टनल को बनाने के लिए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा था, और अब इसका निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें, जो जिला टनल का निर्माण सेना और सिविल इंजीनियरों की एक टीम पहाड़ को काट कर इस सुरंग को बनाएगी। इस सुरंग के बन जाने से श्रीनगर और लेह के बीच पूरे वर्ष भर संपर्क सुविधा मिलती रहेगी। सुरंग बनाने की प्रक्रिया में विस्फोटक के जरिए पत्थरों को हटाकर पहले रास्ता बनाया जाता है, और उसके बाद से सुरंग का निर्माण किया जाता है। सुरंग निर्माण अपने आप में इंजीनियरिंग विद्या की एक नया आकृति है। आपको बता दें, यह जो जिला सुरंग परियोजना श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11,578 फुट की ऊंचाई पर है, और ठंड के दिनों में हिमपात की वजह से यह जो जिला दर्रा 6 महीने तक बंद रहता है, और यह दुनिया के वाहनों के परिचालन के लिहाज से सर्वाधिक खतरनाक मार्गों में से एक है। यह दुनिया में वाहन के परिचालन के लिहाज से सर्वाधिक खतरनाक रास्तों में से एक है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद से, इस टनल के बन जाने के बाद से भारत की न केवल आर्थिक क्षमता को बढ़ावा होगा, बल्कि सामरिक क्षमता में भी वृद्धि होगी। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस जो जिला सुरंग की कुछ विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। नंबर वन, यह जो जिला सुरंग बनाने का सपना पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर श्रीनगर घाटी और लेह के बीच यह सुरंग द्रास और कारगिल होते हुए सभी मौसम में संपर्क सुविधा उपलब्ध कराएगी। नंबर दो, अगर मौजूदा समय की बात करें तो इस रूट पर आवागमन सिर्फ 6 महीने उपलब्ध रहता है, और इस सुरंग के बन जाने के बाद से सालों भर इसमें आवागमन उपलब्ध रहेगा। नंबर तीन, यह सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पर 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। नंबर चार, इस टनल की कुल लंबाई करीब 14.5 किलोमीटर है। नंबर पाँच, यह जो जिला सुरंग को बनाने में करीब 4,800 करोड़ रुपये की लागत आएगी। नंबर छः, इस परियोजना के तहत जो जिला दर्रे के तहत करीब 3,000 मीटर की ऊंचाई पर यह 14.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को बनाया जा रहा है। नंबर सात, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान के करीब होने से इसका सामरिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। नंबर आठ, जो जिला सुरंग परियोजना से कारगिल, द्रास और लद्दाख क्षेत्र के लोगों की 3 दशक पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। नंबर नौ, श्रीनगर लेह खंड में अब यात्रा से हिमस्खलन का कोई खतरा नहीं होगा, और यात्रा में लगने वाला समय में भी कमी आएगा। तो यह सुरंग हमारे देश के अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा ही, इसके साथ ही साथ यह हमारे देश के सुरक्षा को भी बढ़ाएगा। तो इस वीडियो को अपने पास न रखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।